सरकार जाने ना जाने की बात नहीं, और नीतीश जी को इतिहास में कोई याद नहीं करेगा। अब देखिएगा चुनाव के बाद, इन लोगों का काम है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स, बदला लेंगे, झूठे मुकदमे करेंगे, लाइसेंस रद्द करेंगे, यही काम है। लेकिन अब कुछ भी कर ले नीतीश जी, जनता ने जब मूड बना लिया कि आप जहां बैठे हो आपको उतारना है, तो चाहे ब्रह्मांड की भी शक्तियां लगा दे नीतीश कुमार जी बेईमानी में अपने कुर्सी को बचाने में, जनता की ताकत को पछाड़ नहीं सकते, हरा नहीं सकते। फीडबैक क्या आ रहा है? मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि जनता मालिक है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी हमारे पत्रकार मित्र, आज फिर से आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला है, और दो जगह उपचुनाव चल रहा है, तारापुर कुशेश्वर स्थान। हर एक कोशिश सरकार में बैठे हुए चोर दरवाजे के चोर मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से चुनाव को भ्रमित किया जाए, जनता में डर पैदा किया जाए। हम लोगों ने कल भी कहा था कि सरकार ने सारा प्रयास किया चुनाव जीतने के लिए, धन बल सब लगा दिया, शराब हो, साड़ी हो, पैसे हो, इनके मंत्री जो है किस प्रकार से डीलर को धमकवाया जा रहा है अधिकारी द्वारा, ये सारी बातें हमने बताई। ये सब करने के बावजूद भी जो आज हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है कि दोनों जगह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीत ही नहीं रहे, लेकिन जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों को हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है, और मौजूदा सरकार से जो जनता जो इतनी आक्रोश में है कि कहा नहीं जा सकता। सब लोग लालटेन पर मतदान कर रहे हैं, और छोटी मोटी जो शिकायतें आ रही हैं इसके लिए हम लोगों ने वॉर रूम भी बनाया था, जहां से सारी चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है, सूचनाएं मिल रही है। कल भी हम लोगों ने कई वीडियोस जो हैं, ऑडियो जो हैं, सार्वजनिक किया था, और कोई और कंप्लेन हम लोगों को आ रहा है, छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं, वो हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन के टच में हैं, उनको हम लोग संबंधित बूथ हो जहां प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं, चाहे ईवीएम में हो या जहां कोशिश कराई जा रही है धीमे वोटिंग कराई जाए, कहीं कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं बैठ जा रहे हैं वर्करों के घर पे, ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं। तो ऐसी जितनी शिकायतें हैं छोटी मोटी, हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और पूरी तरीके से हम सब लोग निश्चिंत हैं, कोई कसर नीतीश जी ने छोड़ा नहीं चुनाव जीतने के लिए, पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, फिर भी नतीजा जो रहेगा उनके लिए, चोर दरवाजे की सरकार के लिए निराशाजनक रहेगी। काउंटिंग तक अभी भी हमारे लोग, सब लोग जो हैं एक एक चीजों को देख रहे हैं, बक्सा सील होगा, रखा जाएगा, फिर जब काउंटिंग की प्रक्रिया भी होगी तब भी हमारी नजर हर एक लोगों पर होगी, और सुबह से हम लोग लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने वॉर रूम भी बनाया जहां से हम लोग मॉनिटर कर सके। नंबर जो है वो भी सार्वजनिक लोगों को हम लोगों ने किया था कि कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, कोई अगर धांधली करता हुआ नजर आए तो इस नंबर पर सूचित कीजिए। तो लगातार जो है हम लोग संपर्क में हैं और इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, हमारी जीत
तय। अब आप देखिए क्या क्या हटकंडे नहीं अपना गया। अभी चेतन हमारे साथ है, इनके पिता को लेकर के नीतीश जी ने क्या कहा था ये मिलर हाई स्कूल में कि हमारे साथी रहे, हमारे मित्र हैं, जितना चिंता आपको है उससे ज्यादा चिंता हमको है और इनके लिए हर एक संभव प्रयास वो कर रहे हैं। ये नीतीश जी की बोली है। अब सरकार उनका, प्रशासन उनका, जेल प्रशासन उनका, पुलिस उनके, हेलमेट हेलमेट पहन के 30-40 की संख्या में लोग घुस करके जो है उनको तंग करते हैं, रेड का बहाने फ्रॉड एक रेड मारा जाता है, क्योंकि लगातार, क्योंकि हमारे पार्टी के विधायक एक शिवहर से जीते हैं, लवली आनंद जी भी हमारी पार्टी की नेत्री हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में हैं, उनको डर था कि इन लोगों के जाने से चुनाव में मतदाता जो है, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आकर्षण जिनका हो रहा है, कहीं उनके लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए डराने धमकाने का काम लगातार नीतीश जी और उनके मंत्री और उनके सरकारी कुछ चंद अधिकारी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये लेसी सिंह जो है मीटिंग कर रही है डीलरों का, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने जारी किया है भाई, अधिकारी फोन करके बोल रहा क्यों जा रहे हो क्या है, जहां डीलर कह रहे कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए कि हम किसी चुनाव के प्रचार में नहीं जा सकते। अब देखिएगा चुनाव के बाद इन लोगों का काम है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स।